शहीद की ज़ाती ज़िंदगी बस कह लो कि राय हुसैन में ही थी। स्काउट्स से उनका ताल्लुक़ था, तो बचपन से उनको स्काउट्स की फील्ड में ही थे और एक जज्बा था उनमें कि उनको शहादत मिले। और 10 साल पहले बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें वो ज़ख्मी हुए थे, यानी कि गाजी बन गए थे। और उस टाइम भी वो अपनी चोटों और अपने सब कुछ भूल के दूसरों को अटेंड कर रहे थे, उनको लेके जाना आना। तो गाजी के बाद उनकी बस एक दिल में एक ख्वाहिश थी कि मुझे शहादत नहीं मिली, मैं मरा क्यों नहीं, मैं शहीद क्यों नहीं हुआ। लेकिन बस पप्पा का शहादत से एक हफ़्ते पहले यही रहा था कि इस दफ़ा उनको एक पता नहीं क्या पता था क्या, कि बस वो कहते थे कि मैं ही शहीद होऊंगा इस दफ़ा, तुम देख लेना हालात, क्योंकि अब की दफ़ा ठीक नहीं। हमें बताते थे, इवन हम लड़ते थे कि पप्पा ये ऐसी ऐसी बातें जो आप करते हैं, तो हमें कहते थे कि तुम लोगों को क्या पता कि किस तरीके की शहादत होती है, और तुम देख लेना कि कैसी शहादत। इवन ये अपनी वसीयत भी करके गए थे कि मेरा जनाजा इधर हो, उस पर एक कब्र हो, और इनके सब कुछ एक हफ्ता पहले ही वो करके गए थे और पहली मुहर्रम को शहीद हो गए। बहुत फ़ख्र महसूस होता है, और बल्कि मैं लोगों को बोल रही होती हूँ कि नहीं रोएं इनके, उसके उस टाइम के बाद ही होता है। उस दिन हाँ मैं रोई, बहुत रोई, क्योंकि बाप है मेरा। लेकिन उसके बाद मुझ पर पता नहीं कुदरत ने कहाँ से वो आ गई कि मैं लोगों से कहती थी कि आप ना रोएं या आप नहीं रोएं, वो शहीद हैं और शहीद का रुतबा बहुत आला है। नया जज्बात, इतने ज़्यादा जज्बात हो गए कि कभी अपने वालिद की शहादत का बताने लगती हूँ कि तो लोगों की आंखों में तो आंसू होते हैं, लेकिन मैं चुप नहीं हो रही होती, ना मेरी एक आंख में आंसू होता है ना कुछ, बस एक जज्बा कुदरती मिला हुआ है और डर नहीं लगता अब किसी चीज़ से। उनको मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मरना तो हमें ऐसी भी है कि किसी भी हाल में मरना है हमें, लेकिन क्या ही बात है कि इमाम हुसैन की राह में हम शहीद हो जाएं, और कभी हम रुकेंगे नहीं अपनी आज़ादारी से। अगर वो अब भी मारना चाहते हैं तो मार लो, बल्कि हमारे लिए खुशी की बात है कि कोई आके हमें शहीद कर देता है राय हुसैन में। उनके लिए क्या है मौत, तो हम ऐसे भी मरना तो है, एक्सीडेंट में मर जाओ या कुदरती मर जाओ, लेकिन बेस्ट है कि आप इमाम हुसैन की राह में आके शहीद हो जाओ। एक हफ्ते तक जज्बात तो बहुत ही, वैसे सब्र किया हुआ था घर वालों ने, जैसे कि नौजवान हमारे घर के जो उनको रोका हुआ था कि ऐसा कुछ ना करो, और ख़ासकर जो मेरा सबसे छोटा वाला भाई है। दूसरा ये कि FIR का हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमारे घर कोई बड़ा नहीं है कि जो FIR का देखे, लेकिन फिर भी जो हमारे स्काउट्स के हेड्स हैं उन्होंने पापा की FIR दर्ज करवा दी थी, स्पेशली जो शहीद अस्करी रजा है जिनकी खुद की FIR दर्ज नहीं हुई थी, उन्होंने पापा की FIR कटवाई थी। इनके शहादत के बाद का एक वाक्य है जो मैं सबके शेयर करना चाहूँगी। मेरे वालिद ने शाम से हम सबको सलाम भेजा है, और उन्होंने एक ज़ायर के हाथ भिजवाया ये सलाम, वो ज़ायर से ख़ुद मिले थे, और उन्होंने कहा है कि मेरे घर वालों को भी बता देना कि मेरी जो जॉब लगी है वो मौला अब्बास के रोज़े पर, तो इससे बढ़ के मेरे लिए कोई मौजज़ा नहीं है और कोई सलाम नहीं है, क्योंकि शहीद ज़िंदा है और मुझे ऐसा लगता है कि पापा जो हैं वो जॉब के लिए दूसरी कंट्री गए हैं।